नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लिस्ट कैसे देखें अपने फ़ोन से। तो आपको करना क्या होगा, गूगल पे आना होगा और टाइप करना होगा pmkisan.nic.in। आप सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, सिंपल से नीचे आना होगा और यहाँ पे ये जो बना हुआ दिख रहा है pmkisan.nic, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। पेज होने ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, सिंपल से यहाँ पे ये जो LG डायरेक्टरी लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको एक बात का ध्यान देना होगा, अगर आप शहर से हैं तो रूरल पर क्लिक कीजिए, या आप घर और आप गांव से तो अर्बन पे क्लिक कीजिए। तो हम अर्बन पे क्लिक कर लेते हैं और यहां से गेट डाटा पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपके स्टेट का नाम आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कई पेज बने हुए हैं, क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका स्टेट कौन से पेज पे है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और अपने स्टेट को चूज करते हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश आ चुका है, हम उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपल से नीचे आना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपके टाउन के नेम आ जाएंगे, जितने भी टाउन होंगे। तो हम यहाँ से अपना टाउन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सिंपल से अपना गाँव सेलेक्ट कर लेना होगा। तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना गांव। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे आपके गांव का नाम आ जाएगा और वार्ड नंबर और कितने लोगों का ये फॉर्म भरा गया उतनी संख्या आ जाएगा। तो अभी इस वेबसाइट पे काम चालू है, तो अभी इस पे सारा डाटा अपलोड हो रहा है। तो धीरे धीरे इस पे डाटा अपलोड हो जाएंगे और उसके बाद आप अपनी पूरी जानकारी इस वेबसाइट से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।